महामहिम का 40 पेज का अभिभाषण हम लोगों ने सुना। माननीय, हमारा जो ये संविधान है, इस संविधान में संविधान सभा के लोगों ने एक संकल्प लेने का काम किया। ये सरकार हर मामले में फेल हुई। जो रोजगार का इन्होंने वादा किया था, प्रदेश और देश की सरकार ने उस पर खरे उतरने का काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश में भी 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 70 लाख नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था, उसमें पूरी तरह से फेल होने का काम किया। मैंने आज जब इनका भाषण पढ़ा तो इस भाषण में, अभिभाषण में भी इन्होंने जो आंकड़ा दिखाया, बढ़ा चढ़ा कर दिखाया, उसमें 21 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराने का बात कही। वादा किया था 70 लाख का, झूठ के आधार पर जो दिखाने का काम किया वो 21 लाख। इस तरह से पूरी तरह से फेल हुए। और जब सरकार अपने कर्तव्यों पर पूरी तरह से फेल होती, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई है। कोई आपके क्षेत्र में भी माननीय अधिष्ठाता महोदय घायल होता होगा, अस्पताल जाने का अवसर आती होगी, ट्रामा सेंटर लखनऊ पहुंचता होगा, उसका एडमिशन नहीं हो पाता, उसको कहेंगे आप बलरामपुर रिफर कर दिया जाता है, इसके बलरामपुर से फिर दूसरी जगह रिफर कर दिया जाता है। इस तरह से उसको स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पा रहा है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और इन सब चीजों को छिपाने के लिए फिर श्री भगवान श्री राम जी का सहारा लेने का काम ये सरकार करने का काम कर रही है। भगवान श्री राम हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के आराध्य देव हैं, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष को हो, उसको मानता है। और मान्यवर, मैं तो अयोध्या के बगल का हूं, मेरे घर से अयोध्या की दूरी 40 किलोमीटर है, बल्कि 35 किलोमीटर है। हम लोग बचपन में साइकिल से अयोध्या रामनवमी का स्नान करने जाते थे, और हमें ये राम के बारे में, भगवान राम के बारे में पहाड़ा पढ़ाएंगे, और भगवान श्री राम के स्थापित करने का श्रेय लेकर बधाई पाने का भी, स्वयं बधाई लेने का काम भी ये सरकार करने का काम कर रही है। इसलिए कर रही है कि हर मुद्दे पर वो विफल हुई है, असफल हुई है, जिसके कारण अब केवल सहारा भगवान श्री राम का रह गया। मान्यवर, ये सरकार आड़ लेकर दलितों के अधिकार को, अनुसूचित जाति के अधिकार को, पिछड़ी जाति के संवैधानिक अधिकार को, अल्पसंख्यक समाज के जो संवैधानिक अधिकार है उस पर डांटा डालने का काम कर रहे हैं। और इसका प्रमाण है, मान इसका प्रमाण है कि भी 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई शिक्षा में, प्राइमरी शिक्षा में, और उस 69,000 शिक्षकों में इनका जो संवैधानिक पिछड़ा वर्ग आयोग है उसने मारा कि 1994 के अधिनियम के अनुसार 15,000 पिछड़ी जात के और 3,084 अनुसूचित जात के बच्चों का शिक्षक नहीं बनने दिया गया अगर आरक्षण का अधिनियम का पालन किया होता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं एक कमेटी बनाई 5 सदस्यीय, उस कमेटी ने माना कि 6,800 शिक्षक की भर्ती नहीं हो पाई है पिछड़े वर्ग की अनुसूचित जाति। 2022 के चुनाव के पहले अधिसूचना द्वारा भर्ती का विज्ञापन भी दे दिया गया और चुनाव बीत गया। वो बच्चे आज इको गार्डन में धरना दे रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, और उनको भर्ती करने का काम नहीं किया जा रहा। मान्यवर, यही नहीं, भगवान श्री राम जी का सहारा लेकर इस प्रदेश में 34 विश्वविद्यालय हैं। 34 विश्वविद्यालयों में सबका साथ सबका काम, सबका साथ सबका सम्मान, सबका विकास का नारा देने वाली सरकार ने 34 विश्वविद्यालयों का एक भी वाइस चांसलर पिछड़े वर्ग का या दलित समाज का बनाने का काम नहीं किया।
सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 75 जिलाधिकारियों में से 10% केवल अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के अधिकारी कार्यरत है, केवल 10%, यानी 90% 15% लोगों को बनाने का काम किया जो जनता की समस्याओं का निदान कर सके। मानिए इतना ही नहीं, प्रदेश में नौजवान बेरोजगार हैं, 2,17,000 शिक्षकों का पद खाली है, 2,17,000 शिक्षक का पद खाली है। 2018 के बाद कोई भी भर्ती की प्रक्रिया इस सरकार ने शुरू करने का काम नहीं किया। माननीय विश्वविद्यालय हो, जितने भी विश्वविद्यालय है प्रदेश में, किसी भी विश्वविद्यालय में 13 और 14% से ज्यादा अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के शिक्षक तैनात नहीं है। SGPGI मानवर यहाँ की एक संस्था है, KGMU एक संस्था है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान है, इन जगहों पर संस्थानों में पिछड़े वर्ग के और अनुसूचित जाति के जो अभ्यर्थी आते हैं MS MD BM करके, जब वो भरते हैं पद विज्ञापित होने के बाद तो लिख दिया जाता है कि योग्य नहीं है, इस आधार पर उनका रिजर्वेशन का कोटा भरा नहीं जाता। वो करके आया है DM और करके आया है SGPGI से, करके आया है KGMU से, करके आया है AIIMS से, और उसके बाद ही कह दिया जाता है कि योग्य नहीं है और खाली रखकर फिर उसके जगह पर दूसरे लोगों को भर्ती करने का काम किया जाता है। यानी पिछड़ों के दलितों के अधिकार को पूरी तरह से हनन करने का काम ये सरकार कर रही है। मानिए दूसरी तरफ अभी आयुर्वेदिक स्वास्थ्य विभाग में पद विज्ञापित हुए फार्मासिस्ट के 10,002, इस 1,002 में पिछड़े वर्ग का 126 पद विज्ञापित किया गया, होना चाहिए 270 विज्ञापित किया गया है 126, यानी 62% 65% पिछड़े वर्ग के हिस्से में केवल 8 और 9% पद देने का काम किया गया है।